सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी गांधी से जुड़ी हुई है, जिनके 150 साल होने का आयोजन आज पूरे देश में है और जिसका शोर चारों ओर है। ये शोर शायद और ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने अपने बहुत छोटे छोटे कामों से इसी समाज के अच्छाइयाँ लेके और इसी समाज के लोगों की अच्छाइयाँ लेके इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, देश को आज़ाद कराया, ब्रिटिश हुकूमत को परास्त किया और एक नई सभ्यता देने की, जो पश्चिम के सभ्यता के समानांतर दुनिया को ज़्यादा टिकाऊ और विविध विकास देता, उसकी तरफ ले जाने की कोशिश की। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान आए तो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उनको सलाह दी कि तुम कुछ भी करने के पहले ये कोशिश करो कि मुल्क घूम के देखो और इसकी सब चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करो और फिर तय करना कि तुमको क्या करना है और कैसे करना है। इसी दौर में गांधी ने तय करके, हम सब जानते हैं कि सबसे पहले दौर में वो शांति निकेतन गए थे, फिर उसके बाद कांग्रेस के अधिवेशन में गए और उनके कांग्रेस अधिवेशनों में जाने का किस्सा ये है कि टॉयलेट्स कितने गंदे थे, तो उस समय हैड टोपी लगा के और कोट पैंट पहन के टॉयलेट्स की सफाई करना वो तब एक चर्चा का विषय बना था, लेकिन गांधी को टॉयलेट साफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो शांति निकेतन भी जब वो गए तो वहाँ की सफाई, वहाँ का खाना बनाना अपने से शुरू हो, विद्यार्थी खुद से करें, ये प्रयोग उन्होंने उतने ही दिन में कराने की कोशिश की थी। तो गांधी कहीं चैन से नहीं बैठते थे। उसी दौर में गांधी जब घूम रहे थे तो देश के सारे धर्म स्थलों पर भी वो गए और पूजा पाठ करने से ले कर उनको देखने, वहाँ आने वालों पर नज़र रखने की कोशिश की कि लोग किस श्रद्धा भाव से आते हैं और यहाँ की व्यवस्था क्या है। इसी क्रम में जब वो बनारस आए थे तो ये कहानी उसी बनारस की है और गांधी की कृपणता या उनके हिंदुत्व, दोनों चीज़ों को बहुत आसानी से बताती है ये कहानी। गांधी खुद को वैष्णव कहते थे, सनातनी वैष्णव कहते थे, हिंदू कहते थे और पूजा पाठ जीवन भर करते थे, प्रार्थना सारे जीवन उन्होंने किया, बल्कि बाद की प्रार्थनाएं और व्यापक होती गई, दूसरे धर्मों की प्रार्थना भी उसमें शामिल होती गई। उनके लिए ईश्वर राम भी थे और सत्य ही सबसे बड़ा ईश्वर उनके लिए था। ईश्वर सत्य है की जगह सत्य ही ईश्वर है, उन्होंने बाद में यही कहा कि सच्चाई ही सबसे ऊपर है, वही सबसे बड़ा ईश्वर है। और मोतिहारी में जब वो चंपारण आंदोलन के दौरान गए और लोगों की भीड़ देखी और जिस भीड़ को देख के उनका नज़रिया बदला और ब्रिटिश हुकूमत का नज़रिया बदला, तो उन्होंने कहा कि आज मुझे लोगों में ईश्वर के दर्शन हुए हैं। तो गांधी पारंपरिक अर्थ में हिंदू थे भी और नहीं भी थे। हम सब जानते हैं कि बाद के दिनों में उन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया दलितों के मंदिर प्रवेश के लिए और उसी क्रम में वो मंदिर गए, बहुत ज़्यादा मंदिर गए नहीं, और उसके बाद तो उनके मंदिर जाने की कोई कहानी नहीं है, कोई प्रसंग नहीं है, बल्कि कस्तूरबा चली गई पुरी के ऐसे मंदिर में जहाँ दलितों के प्रवेश पे काफ़ी बवाल हुआ था, तो उस कस्तूरबा को उसकी फटकार लगी। कस्तूरबा अपनी कई महिला मित्रों के साथ चली गई वहाँ, जब गांधी वहाँ कांग्रेस के अधिवेशन के लिए गए थे, तो उसके लिए कस्तूरबा को डांट पड़ी सचमुच की। तो ऐसे थे गांधी हिंदू, और जब बनारस आए थे उसी समय से उनका हिंदुत्व कुछ अलग रंग रूप का था, ये दिखाई देने लगा था। जब वो बनारस गए और एक धर्मशाला में ठहरे और फिर जब मंदिर गए विश्वनाथ मंदिर, तो उन्होंने पंडित को कहा कि ये 125 रुपये हैं। उसने पूछा कितनी पूजा करानी है, क्या करानी है, कौन कौन चीज़ करानी है, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, ये 125 रुपये दक्षिणा मैं आपको देता हूँ, आपको जो जो पूजा पाठ ज़रूरी लगे वो करा दीजिए, इतने में, उससे ज़्यादा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ आया हूँ और इस व्यवस्था में आया हूँ, तो ये आपको इतना करूँगा। तो उस पर पंडित समझ गया कि ये क्या आदमी आया हुआ है। फिर जब वो ज्ञानवापी मंदिर गए तो ज्ञानवापी मंदिर में उन्होंने पंडित पंडे ने उनको जब पूजा कराना शुरू किया
तो उन्होंने एक पाई चढ़ाया। एक पाई देखते ही वो पंडा एकदम भड़क गया और उसने वो पाई उठा के फेंक दिया और कहा कि यही तू चढ़ा रहे हो, तुमको पाप लगेगा, और गालियां देने लगा। सचमुच गांधी को गालियां देने लगा कि तुमको जाने क्या क्या होगा। तो गांधी ने कहा, महाराज मेरा तो जो होगा सो होगा, ये आपको शोभा नहीं देता, आप पंडित हैं और बहुत श्रद्धा के पात्र हैं, इस किस्म की गालियां देंगे तो आप ही का डिग्री कम होगा, मेरा कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। अगर आपको एक पाई नहीं लेनी है तो मैं वो ले लेता हूँ, आप उसकी चिंता मत करिए। और कह के गांधी ने वो पैसा उठा लिया और कहा कि अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं अपने पास रखता हूँ। गांधी मन ही मन मुस्कुराते रहे कि शायद ये पैसा भी बच गया, लेकिन पंडे ने देखा कि अब ये भी जा रहा है तो उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो कि तुम ये पैसा इधर रख दो, और मैं तुम्हारी तरह का पापी नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ ये अधर्म होने दूँगा और तुमको पाप का भागी बनने दूँगा, ये तुम रख दो, ये रख के मैं तुमको पाप से मुक्त करता हूँ। तो वो एक पैसे से गांधी ने ज्ञानवापी मंदिर में पूजा कर लिया, और उतने ही से हम देख सकते हैं कि गांधी किस किस्म के हिंदू थे, उनका कर्मकांड पे कितना भरोसा था, और असल में जो धर्म का मर्म है वो क्या है। और इस मामले में गांधी से आगे शायद कोई नहीं गया। ये मोटे तौर पे माना जाता है कि हिंदू धर्म की बीमारियों के पीछे ज्ञान कौशल इन सब चीज़ों का विकास, लेकिन व्यवहार में उन उतारने में एक दोहरापन अपनाना, ये सब जगह, और ये काफ़ी हद तक जाति व्यवस्था से जुड़ी चीज़ें हैं, इसका रोल रहा है। शंकराचार्य जैसे आदमी ने भी जाति व्यवस्था से टकराने की कोशिश नहीं की। बुद्ध ने टकराने की कोशिश की तो हम देखते हैं कि बुद्ध फाइनली कहाँ हिंदुस्तान में किस किनारे हो गए। ये पहली बार आधुनिक दौर में हमने देखा है कि ये विवेकानंद ने इस द्वंद को पहचाना और फिर इससे लड़ने की कोशिश की। वो कम आयु के हुए लेकिन उनकी बातों में ये बहुत साफ था। गांधी ने ये चीज़ें वहीं से पकड़ी कि अगर हिंदू धर्म को चलना है, हिंदू समाज को आगे बढ़ना है, तो उसको कथनी करनी का अंतर खत्म करना पड़ेगा, और इसमें ये जो कर्मकांड इतने हैं और ये जो इतनी बुराइयां जुड़ी हुई हैं जिसमें छुआछूत शामिल है, उनका कोई रोल नहीं है। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, कम नहीं होंगी, और हिंदू धर्म को, हिंदू पूजा पद्धति को इनसे मुक्त नहीं कराया जाएगा, तब तक हिंदू तो नहीं बचेगा। और विवेकानंद ने जितना किया वो छोटा काम नहीं है, काफ़ी बड़ा काम है, लेकिन गांधी ने उसी धर्म को समझ के और उसी दर्शन को समझ के जो काम कर दिया हमारे लिए, हिंदू समाज के लिए, हिंदुस्तान के लिए, वो अपनी जगह बेमिसाल है। इतिहास के किसी दौर में किसी व्यक्ति ने ऐसा काम नहीं किया था। और एक पाई की कहानी ये बताती है कि ये शुरुआत गांधी ने काफ़ी पहले कर दी थी। ये सिर्फ विभाजन के समय के हिंदू मुस्लिम एकता की लड़ाई नहीं है, ये हरियाणों के मंदिर प्रवेश के समय की लड़ाई नहीं है, ये हिंदू समाज के टोटलिटी की लड़ाई है। और इसी दौरे में जब गांधी घूम रहे थे तो बहुत साफ उल्लेख मिलता है कि दक्षिण के दौरे के समय उन्होंने जानबूझ के ढूंढ ढूंढ के पंचम वर्ण, अछूत जो चार वर्णों से बाहर हिंदू समाज द्वारा ठेल दिए गए थे, उन बस्तियों में भी जाके कोशिश की थी कि देखें दलितों के सवाल पे गांधी ने किस तरह की लड़ाई लड़ी और क्या क्या उनको झेलना पड़ा और समाज को किस तरह से उन्होंने इसमें आगे बढ़ाया, वो कहानी अलग है। लेकिन धर्म के को पारंपरिक अर्थ में उस तरह से उन्होंने नहीं रखा, धर्म का क्रांतिकारी इस्तेमाल किया, और ये तभी संभव हुआ जब कर्मकांडों से और दिखावों से मुक्ति उन्होंने पाई। और ईश्वर सत्य है की जगह सत्य ही ईश्वर है के दर्शन को स्थापित किया, तभी बड़ी आसानी से वो ये काम कर पाए। ये कहानी उसी को बताती है। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।